हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। अभी कुछ फार्मूले और हैं जो इसके बाद लिखेंगे हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके फार्मूले जानेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला फार्मूला क्या है। पहले देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते किसे हैं। यदि कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है और कोनिक सेक्शन भी हो सकता है। इसमें कंडीशन ये होती है, जैसे आपको याद होगा सर्कल में यहाँ पर ए और बी इक्वल होने चाहिए और एच जीरो होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट एक्स वाई वाला टर्म नहीं होता है सर्कल के इक्वेशन में। लेकिन कोनिक सेक्शन में यानी पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में ये हो सकता है, उसकी अलग अलग कंडीशन होती है। कोनिक सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो। अगर ये बराबर जीरो है तो ये जो भी इक्वेशन लिखी होगी वो आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। इतना क्लियर हो गया, यानी कि इतना क्या होना चाहिए, जीरो। अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, कोनिक सेक्शन हो जाएगा, यानी पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला में कुछ भी हो सकता है। फिर उसमें अलग अलग कंडीशन होती है, एच स्क्वायर माइनस ए भी चेक करते हैं, जब पैराबोला पढ़ेंगे एलिप्स पढ़ेंगे हाइपरबोला यानी जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इसकी जिक्र करेंगे। अभी केवल इतना याद रखिए, इतना इज इक्वल टू जीरो है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। फिर सेकेंड नंबर में लिखिए इसकी होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, यानी कि समघातीय समीकरण क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समघातीय समीकरण। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक समघातीय समीकरण होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती किसे, जैसे हम लोग एक लाइन की इक्वेशन अभी तक पढ़ रहे थे, अब जैसे दो लाइन हो गई, ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन की जो कंबाइंड इक्वेशन होती है उसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी बनता होगा, इसकी स्लोप कुछ ना कुछ होती होगी, तो इसकी स्लोप को m1 बोलेंगे और इसकी स्लोप को m2 बोलेंगे, उसकी जिक्र अभी आगे करेंगे। उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा ये वाला और एक एंगल ये बनेगा, उसकी जिक्र भी अभी आगे करेंगे हम लोग। तो यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जैसे दो इक्वेशन होती है, आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन 2x plus 3y, या नॉर्मल तरीके से अगर हम ax a1x plus b1y माइनस सी वन इज इक्वल टू जीरो लिखें, और इसी प्रकार एक लाइन लिख दें ए टू एक्स प्लस बी टू वाई माइनस सी टू इज इक्वल टू जीरो, या प्लस सी वन या प्लस सी टू कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये दो अलग अलग लाइन है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। हो सकता है पहली लाइन ये वाली हो और दूसरी लाइन ये वाली हो, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में पूरा पूरा ये लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट में ये लिखेंगे, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कुछ आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, उसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर आपको ए वन ए टू दिख रहा है, जैसे मान लीजिए टू होता ये थ्री होता तो सिक्स एक्स स्क्वायर होता पहला टर्म, तो ये सिक्स एक्स स्क्वायर बन जाता। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये दोनों एक्स वाई के टर्म दिखेंगे, वो जो भी ऐड होके आएगा वो 2hxy की तरह यहाँ कहलाएगा। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे by स्क्वायर आएगा, इसका इससे करेंगे x वाला आएगा, इससे इसको करेंगे इसी तरह y वाला आ जाएगा, इसका इससे करेंगे या इसका इससे करेंगे, दोनों को ऐड करके y वाला कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कुल मिला के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में बनेगा और ये आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसकी होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगी, जिसमें x और y का कोफिशिएंट ना हो, मतलब x y ना हो, x का y का कांस्टेंट इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपकी जो लाइन होगी, जो पेयर होगा वो होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी। यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की होमोजीनियस इक्वेशन ये होती है। आपके उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के आते हैं, किसके आते हैं, 99% क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन के उससे आते हैं। अब इसमें कंडीशन ये होगी कि जो दो लाइंस है वो आपकी वास्तव में रियल लाइन है भी कि नहीं, कि इमेजिनरी लाइन है, तो इसमें कंडीशन चेक करना होगा कि यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो है, केवल ग्रेटर देन जीरो, तो लाइंस रियल होंगी और अलग अलग होंगी, यानी कि को इंसिडेंट नहीं होंगी, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी किसी ना किसी पॉइंट में। यानी कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो लाइंस रियल हो गई और को इंसिडेंट हो गई, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो हो गया तो लाइन रियल तो होंगी लेकिन को इंसिडेंट हो गई, सेम हो गई। यहाँ पर क्या नहीं, इज इक्वल टू जीरो में को इंसिडेंट हो गई और इसमें ग्रेटर देन जीरो में डिस्टिंक्ट हो गई, अलग अलग हो गई। क्या बोला हमने, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू जीरो दोनों में रियल तो होंगी
लेकिन अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट किसी ना किसी पॉइंट पे करेंगी, यानी कि डिस्टिंक्ट लाइन होगी। और अगर इज इक्वल टू जीरो हो गया तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी कि पहली लाइन ये तो दूसरी लाइन भी यही होगी आपकी, तो दोनों लाइन सेम हो गई, तो ये दो लाइन हो गई, तो ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, या फिर आप ये कह दीजिए एच स्क्वायर बराबर ए बी आ रहा है, तो लाइन्स रियल तो होंगी लेकिन कोइंसिडेंट होंगी। इसी प्रकार अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो आ गया, यानी कि निगेटिव आ गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी इससे निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब लाइन्स जो होंगी वो इमेजनरी होंगी, आपकी रियल नहीं होंगी। कैसी होंगी? इमेजनरी होंगी। अब थर्ड देखिए, अगर दो लाइन, पहली लाइन ये है, दोनों दूसरी लाइन ये है, इसकी स्लोप m1 मान लें, इसकी स्लोप m2 मान लें, आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी मिलेगी। अब इसमें m1 plus m2 क्या होगा, यानी कि पहले की स्लोप और दूसरे स्लोप का सम क्या होगा, वो होता है माइनस टू एच अपॉन बी। इसमें जो भी इक्वेशन लिखे होंगे उससे एच पता कर लीजिए, ए पता कर लीजिए, बी पता कर लीजिए। एम वन प्लस एम टू पूछेगा तो माइनस टू एच अपॉन बी बताएंगे, एम वन एम टू पूछेगा तो ए अपॉन बी बता देंगे। इतना क्लियर हो गया। पांचवें में देखें, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये एक फार्मूला होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एम वन प्लस एम टू माइनस टू एच अपॉन बी इतना लिख लीजिए, एम वन एम टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी ये भी लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये भी अच्छे से फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन आते हैं कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो उसका फार्मूला ये है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स में आ जाएगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। अब एक चीज देखिए इसमें ध्यान से, हम ऊपर रफ कर रहे हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा नीचे, इतना क्लियर है? ऊपर रफ कर रहे हैं, नीचे पांचवी इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चल, पांचवी इक्वेशन में एंगल कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब बताइए अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, सेम है, जैसे पहली लाइन भी ये है, अभी क्या बताया था, पहली लाइन भी है, दूसरी लाइन भी है, अगर दोनों सेम है तो इनके बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर है, मान लीजिए लाइन ये हो गई, ये हो गई पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तो बताइए ये m1 into m2 is equal to minus 1 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और इस केस में क्या होगा, तो अगर आपकी लाइन कोइंसिडेंट है, क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी कि समान है, संपाती है, तो क्या कंडीशन होगी, और परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन होगी। चल, कोइंसिडेंट है तो देखिए कंडीशन देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपकी कोइंसिडेंट है तो एंगल जीरो आएगा, दोनों के बीच का एंगल जीरो आएगा। ये जीरो आने का मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन जीरो होगा, तो ये जीरो तभी आएगा जब एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो होगा, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो लिखिए, चाहे एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो लिखिए, चाहे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी लिखिए। अगर ये जीरो हो गया तो यानी एंगल जीरो हो गया, एंगल जीरो का मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगी। अगर ये 90 डिग्री है, मान लीजिए दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 डिग्री आएगा। एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तब आता है जब नीचे जीरो होता है, तो नीचे जीरो तब आएगा जब ए प्लस बी जीरो होगा, तो परपेंडिकुलर तभी होगी जब ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होगा। इसी को रिवर्स समझिए, यदि ए प्लस बी जीरो हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन में ए प्लस बी जीरो हो गया, तो नीचे जीरो होने का मतलब क्या हो गया, नीचे जीरो होने का मतलब tan थीटा इनफाइनाइट हो गया। tan थीटा इनफाइनाइट का मतलब थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, थीटा 90 डिग्री यानी कि दोनों लाइन कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसी से पता चल रहा है कि अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन कहा जाएगा तो नीचे जीरो, कोइंसिडेंट लाइन कहा जाएगा तो ऊपर जीरो, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन तो ए प्लस बी जीरो, और कोइंसिडेंट है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो। इतना क्लियर हो गया कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से। अब अगली जो लाइन है, ये पांचवा था, ये आपका सिक्स पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये आपका सेवन नंबर पॉइंट है ये जो आपको याद रखना है। अब चलते हैं लास्ट में, जो एंगल बाइसेक्ट की क्वेश्चन होती है वो क्या होती है ये देखते हैं, क्या एंगल बाइसेक्ट। जैसे कोई भी दो लाइन है, अब परपेंडिकुलर कोइंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ऐसी, ठीक है, इनके बीच का एंगल मान लीजिए ये 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा, तो ये परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, केवल एंगल बाइसेक्ट बोलेंगे। 80 डिग्री है तो दोनों 40 40 हो गए,
ये 100 हो गया तो दोनों 50-50 हो गए, तो ये जो हो गई ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं। तो जो एंगल बाइसेक्ट की इक्वेशन होती है किसकी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्ट की बात कर रहा है, जो एंगल बाइसेक्ट की इक्वेशन होगी ठीक है, तो ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का समीकरण क्या होगा, यानी कि इक्वेशन क्या होगी वो लिख रहे हैं। वो भी तो इक्वेशन है, ये भी तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 8 नंबर पॉइंट आ गया, अपॉन ए माइनस बी, दोनों माइनस होता है याद रखिएगा, एक्स वाई अपॉन एच, एक्स वाई अपॉन एच, ये फार्मूला है, इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए। एंगल बाइसेक्ट का जो एंगल बाइसेक्ट बनेगा वो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसकी जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच होगा, ठीक है। तो इतने फार्मूले आपके उसमें थे, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं, पहला क्वेश्चन, ये 8 पॉइंट अच्छे से आप याद रखिएगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, होमोजेनियस इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, तो इसकी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, ऑप्शन कुछ ऐसा देगा, ऑप्शन सुनिएगा, रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, नन ऑफ दीज। समझ में आ गया, क्या समझ में आया, पहला ऑप्शन रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड डिस्टिंग, इमेजिनरी एंड डिस्टिंग और नन ऑफ दीज, इस तरह के ऑप्शन है। अब इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, अभी बताया था एच स्क्वायर माइनस ए भी चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, ये 2h होता है, या क्या होता है, ये 2h होता है, ये चीज याद रखिएगा, 2hxy होता है यहाँ पर, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो 2h इज इक्वल टू 12 है, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया 6, a इज इक्वल टू कितना है 4 और b इज इक्वल टू कितना है 9, कंपेयर कर लिया। अब हम लोग सबसे पहले जब भी नेचर पता करना होगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी है, तो उसके लिए हमें h स्क्वायर माइनस ab चेक करना होगा, h कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस ab, ab ab क्या हो गया 36, h स्क्वायर माइनस ab 0 आ गया, यानी कि लाइन आपकी रियल तो है, प्लस में हो और चाहे जीरो हो, तो रियल तो हो जाएगा, बराबर जीरो है तो इसका मतलब कोइंसिडेंट, क्या हो गया कोइंसिडेंट हो गया, ये हो गया, अगर ग्रेटर देन जीरो आता कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता तो डिस्टिंक्ट हो जाता, निगेटिव आ जाता तो इमेजिनरी हो जाती। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसके थ्रू हम लोग ने पहला क्वेश्चन किया। चलते हैं आगे, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ex स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर की पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है उनका रेशियो, या स्लोप बोले या ग्रेडियंट बोले, उसका रेशियो 1:3 है, क्या कह रहा है फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की जो स्लोप है, यानी कि स्लोप मतलब ग्रेडियंट, इसको ढाल भी कहते हैं, प्रवणता भी कहते हैं, 2:1:3 के रेशियो में है, तो आपसे कह रहा है कि एच स्क्वायर और ए बी का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछता है, स्लोप 1:3 में है तो एच स्क्वायर और ए बी का रेशियो क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, अब देखिए इसमें हम लोग को करना क्या चाहिए, पहले स्लोप एम मान लीजिए, दूसरे की स्लोप 3m मान लीजिए, क्योंकि 1:3 का स्लोप रेशियो है, तो हम लोग ने स्लोप मान लिया एम एंड 3m। अब एक बार m1 प्लस m2, ये दो स्लोप हो गए, m1 ये m2 ये, एक सम लगा दीजिए और एक में प्रोडक्ट लगा दीजिए, m1 प्लस m2 कितना होता है माइनस 2h अपॉन b, m1 प्लस m1 m2 का मतलब m प्लस 3m यानी कि 4m, 4m इज इक्वल टू माइनस, अच्छा सेम लिखना है 2h अपॉन b ही लिखना है। अगला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, ये पहली क्वेश्चन हो गई, ये से ये आ गया,
दूसरी m1 m2 में पता होगा a upon b होता है, सभी को पता होगा, ये भी लिखाया था, ये भी लिखाया था अभी। m1 m है और m2 3m है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3m square, 3m square is equal to a upon b, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से आप देख लीजिए। अब बताइए यहाँ पर करना क्या होगा, ये a upon b लिखा है, अब पहली क्वेश्चन ये, दूसरी क्वेश्चन ये, इससे m की वैल्यू उठा के चाहे यहाँ रख दीजिए और चाहे इसका होल स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर दीजिए, तो m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2hb, मतलब जो भी है hab में रिलेशन आ जाएगा, आपसे वही पूछ रहा है। क्या करें, इसका होल स्क्वायर कर दो पहले वाले का और दूसरे वाले को डिवाइड कर दो, इतना करिए। चलिए होल स्क्वायर करेंगे, 16m स्क्वायर आएगा। एक मिनट पेन चेंज कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16m स्क्वायर, और किससे डिवाइड करेंगे, 3m स्क्वायर से। LHS हो गया, RHS बताओ, होल स्क्वायर करना था पहले वाले का, तो पहले वाले का 16m स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर था, तो 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे, a अपॉन b, a अपॉन b, b से b कैंसिल, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, ये भी नीचे आ जाएगा, तो 16 बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4h स्क्वायर अपॉन ए बी। अब आप ध्यान से देखो, आपसे पूछ रहा है h स्क्वायर अपॉन ए बी, इतना दिख रहा है सभी को, आपसे क्या पूछ रहा है, h स्क्वायर अपॉन ए बी, ये तो पूछ रहा है h अपॉन ए बी का मतलब h स्क्वायर अपॉन ए बी पूछ रहा है, तो आंसर 4 बाई 3 आ गया है कि नहीं, देख लीजिए ध्यान से, आंसर कितना आ गया, 4:3, क्योंकि ये कैंसिल हो गया 4 से 16, तो ये 4 आ गया, h स्क्वायर अपॉन ए बी आंसर आ गया 4:2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से आते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, जितने फार्मूले बताए वो सारे अच्छे से क्लियर हैं। थर्ड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy, थर्ड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या दिया है इसमें, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 m2 कह रहा है, दोनों का यहाँ लिख दें, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 m2, क्वेश्चन में ये इस तरह से नहीं दिया जाएगा, आपसे सीधे से कहेगा दोनों स्लोप का जो सम है या ग्रेडियंट के सम है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। क्वेश्चन में क्या, दो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो उसके जो दोनों लाइंस के जो सम है ग्रेडियंट के सम है वो ग्रेडियंट के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, यानी m1 plus m2 is equal to m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ सम इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू सम ऑफ ग्रेडियंट, ये दिया है क्वेश्चन में। आपसे h की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, h की वैल्यू, चलिए जल्दी से बता दीजिए, m1 पिन चेंज कर लें, m1 plus m2 is equal to कितना होगा, माइनस 2h अपॉन b, लेकिन b की वैल्यू कितना रखोगे, a 4 है और b माइनस 7 है, ए कितना है 4, लेकिन माइनस 2h अपॉन बी होता है, लिख देते हैं पहले, ये फार्मूला होता है माइनस 2h अपॉन बी और इसका होता है a अपॉन बी, अभी हम लोगों ने लिखा था। अब b से b तो कैंसिल हो गया, कोई टेंशन नहीं कि b माइनस 7 है, कोई मतलब नहीं है, माइनस 7 लिखोगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, हमें h चाहिए था, तो माइनस 2h इज इक्वल टू a, a कितनी वैल्यू 4, तो h इज इक्वल टू ध्यान से देखिए माइनस 2 आ गया, बस यही आंसर हो जाएगा, आपसे h ही पूछ रहा था, आंसर कितना आ गया माइनस, तो कुछ नहीं करना था, फार्मूला याद होगा, बड़ी आसानी से हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जल्दी से, फोर्थ में कह रहा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें जो एक का ग्रेडियंट है या स्लोप है वो दूसरे का दो गुना है, टू टाइम्स है, ठीक है, क्या कह रहा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसके ग्रेडियंट का एक ग्रेडियंट दूसरे का 2 टाइम्स है, यानी कि एक को आप h मान लीजिए दूसरे को 2h मान लीजिए, फिर कह रहा है ab h में क्या रिलेशन होगा, तो चलिए देखते हैं क्या कर दें, यहाँ पर एक h है, एक h 2h ना मान के एक का ग्रेडियंट दूसरे का दो गुना है ना, तो एक को m मान लेते हैं तो दूसरे को 2m मान लेते हैं। पहला फार्मूला m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b, बताइए m1 plus m2
कितना हो गया 3m इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन पी। दूसरा फार्मूला m1 m2 इज इक्वल टू a अपॉन b, दो ही फार्मूले बताए थे m1 m2 में रिलेशन, m1 इनटू m2 यानी कि 2m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a अपॉन b। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इस तरह से सॉल्व करना कि m हट जाए, तो m की वैल्यू यहां से उठा के चाहे यहां पुट कर दो, चाहे पिछले क्वेश्चन में भी किया था होल स्क्वायर करके इसको डिवाइड कर, चाहे वैसे कर लीजिए। तो हम इस बार ये कर रहे हैं कि m की वैल्यू यहां से उठा के यहां पर पुट कर दे रहे हैं, तो m की वैल्यू कितनी आएगी -2h/3b, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b, ये आ गया। अब कितना हो गया 4h² यानी कि 8h² ऊपर आ गया, नीचे 9b² आ गया इज इक्वल टू a अपॉन b आ गया, b से b कैंसिल हो गया तो 8h² इज इक्वल टू 9ab आ गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि HAB में रिलेशन पूछ रहा था, यही आंसर है 8h² इज इक्वल टू 9ab। चार ऑप्शन इसी तरह के होंगे 4h² इज इक्वल टू 3ab, 4h² इज इक्वल टू 9ab, 8h² इज इक्वल टू 9ab, 8h² इज इक्वल टू 3ab, कुछ इस तरह के चार ऑप्शन होंगे, सही आंसर आपका ये हो गया। तो HAB में इसमें रिलेशन पूछा था तो कंफ्यूज नहीं होना, वही फार्मूले लगाना है m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 वाला। चलिए जल्दी से आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है एंगल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है इस बार एंगल पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। 4h² - 24xy - 24xy + 11y² एंगल बता दीजिए जल्दी से, एंगल कितना बनेगा इनके बीच का एंगल बता दीजिए, क्या फार्मूला होता है एंगल बताने का, tan थीटा इज इक्वल टू जल्दी से बताइए -2√h² - प्लस माइनस दोनों लगेंगे ना, ए प्लस बी प्लस माइनस 2√, एच की वैल्यू -12 तो 144, 12 समझ में आ गया कैसे, 2hxy से कंपेयर करेंगे, ए बी ए है 4 बी है 11 तो -11 × 44, ए प्लस बी 11 × 4 = 15, बस यही आंसर आ गया। कितना आ गया प्लस माइनस, ये 100 हो गया 10 आ गया यानी कि 20/15 यानी कि 4/3। तो थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो टेन इनवर्स कितनी आ गई, टेन इनवर्स 4/3 एंड टेन इनवर्स -4/3, प्लस माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है, तो टेन इनवर्स 4/3 और टेन इनवर्स -4/3, ये हो गया, क्लियर है। तो आज हम लोग ने इस तरह से और भी क्वेश्चन जो लास्ट वाला लगाया था ना x²-y²/a - b / xy = xy / h, इन फार्मूले बेस भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस फार्मूले अच्छे से याद होंगे आपके, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करना हो, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट।